मुंबई महानगर पालिका यमपुर विभाग के चंद कदम की दूरी पर रात को बेखौफ चलाए जा रहे आरएमसी प्लांट रहवासियों को बड़े बीमारियों को सता रहा है खतरा। दिन व रात के समय बड़े पैमाने पर फैलता है प्रदूषण, आने जाने वाली जनता है परेशान। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें आज भी। हम खड़े हैं गोवंडी के अंदर एमपुर विभाग के 200 मीटर के अंदर। इस समय इस प्लॉट के अंदर देवनार प्लॉट एसोसिएशन के अंदर बड़े पैमाने पर 3 आरएमसी प्लांट चलाए जा रहे। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक स्टार क्रिटू और एक इंडिया क्रिटू, जो कि इन और एक कंपनी जो अंदर प्लांट में आरएमसी प्लांट चलाया जा रहा है। 3 कंपनियां हैं प्लस सोनापुर रोड में 1-4 कंपनी। बड़े पैमाने पर यहां पर प्रदूषण फैलाने का जो काम इस प्लांट द्वारा किया जा रहा है, आपको सब मेरे सामने दिखा सकते। सीमेंट ये गाड़ियां जो सीमेंट और ये गाड़ियां किस तरह से प्रदूषण है, आप मेरे सामने दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं रोड, ये गटर, ये जो गटर का जो मामला है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को प्रदूषण की फैलाया जाता है कंपनियों द्वारा। और बड़े पैमाने पर मेरे सामने देख सकते हैं कि यमपुर विभाग के अंदर 4 टोटल आरएमसी प्लांट चलाए जा रहे हैं, जिससे जो 3 आरएमसी प्लांट चलाए जा रहे हैं महाड़ा के जगह पर चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि महाड़ा के अधिकारियों ने जब परमिशन इस प्लांट के लिए बिठाने के लिए अनुमति दी गई थी, तो बिल्डिंग प्रोपोजल के लोग उन अधिकारियों से निरीक्षण करने के लिए आए होंगे तो। लेकिन यहाँ पर कम से कम 200 मीटर 100 मीटर के दूरी पर यह रेसिडेंशियल एरिया, मेरे सामने कैमरामैन से बता सकता हूँ कि ये जो अधिकारी यहाँ पर जो स्वामी समर्थ करके जो एक सोसाइटी है वो यहाँ पर है, उस अधिकारी यहाँ पर जो अधिकारी रहते हैं उनको क्या अधिकारी को नहीं दिखा कि आधार पर बिल्डिंग प्रोपोजल के अधिकारियों ने इस प्लांट को चलाने की अनुमति। मेरे सामने देख सकते हैं ये धूल, ये प्रदूषण आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर प्रदूषण का ये जो कंपनियां काम कर रही है रोड पर, इधर से आने जाने की लोगों को ये सीमेंट का जो ये बड़ा यहाँ पर प्रदूषण जो है इस कंपनियों द्वारा जो फैलाया जा रहा है, ये पूरे सामने सब घरों के अंदर बड़े पैमाने पर जो प्रदूषण का यहाँ ये फैलाने का काम स्टार और 2-3 कंपनियां यहाँ मिलकर कर रही हैं। आप मेरे सामने देख सकते हो पूरे रोड का ये पूरा मामला था, जबकि प्रदूषण विभाग द्वारा इनको 6 बजे तक अनुमति दी जाती है चलाने के लिए, 6 से 6 बजे तक। लेकिन ये शाम तक भी 6 बजे के बाद भी पूरे कानून के तहत पर रखकर ये कंपनियां चलाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने का जो काम कर रही है यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रदूषण। ये सब टोटल एमएस के अधिकारी स्टेट की भी मिली भगत इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जब महाड़ा ने इनको अनुमति दी थी तो बिल्डिंग प्रपोजल के लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर निरीक्षण कर रहे, जबकि गाइडलाइन है कि कोई भी प्लांट को रेजिडेंशियल एरिया से बहुत दूर चलाना चाहिए था। लेकिन यहाँ के अधिकारी टोटल इस कंपनियों को मालिक से बड़े पैमाने पर रिश्वत लेके ये प्लांट को यहाँ पर प्लांट करने का अनुमति दी गई थी। लेकिन अब हम बताते हैं कि जबकि ये पूरे मामला देख सकते हैं मेरे सामने, एक बड़ा मामला होता है ओवरलोड गाड़ियों का, मेरे सामने देख सकते हैं एक MH03CP8797, जबकि टोटल ओवरलोड आप सोच सकते हैं कि टोटल ओवरलोड गाड़ियां भरी है। अब ओवरलोड के मामले में देखा जाए कि ये पूरा रोड गटर और यहाँ से सभी आप फोन करके देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा रहना कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार के नाके अंदर सूखे होता है। बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ के जो कंपनी है, कंपनी के लोग हैं जो इस तरह से लोग ऑपरेट करते हैं कि यहाँ पर लोगों को कैंसर, दमा, टीबी बीमारी बहुत सारी कंपनियाँ बनाने का काम करती है। ये पूरे प्रदूषण फैलाने का जो काम बड़ी कंपनियाँ कर रही है, इसके अंदर आपने परमिशन दे दिया, लेकिन BMC के अधिकारियों ने किस आधार पर परमिशन दिया इसकी भी जांच करना इनका जो मटेरियल गिरता है उस मटेरियल के तरह से कभी भी बाइक दुर्घटना हो सकती है। ये देख सकते हैं छोटे छोटे जो कंक्रीट गिरते हैं इनकी टोटल बड़े पैमाने पर बाइक दुर्घटना होने की आशंका। 2-3 महीने पहले यहाँ पर 2 एक्सीडेंट हो गए, 2 जगह पर मृत्यु हुई थी कारण की डंपर, क्योंकि यहाँ के बड़े ये जो रोड पे मटेरियल गिरता है उस मटेरियल के चलते बाइक का
दुर्घटना होती है और दुर्घटना होने से लोगों की जान जाती है। जबकि मुंबई महानगर पालिका की सख्त गाइडलाइन है कि आरएमसी प्लांट चलाने के लिए बहुत सारे कानून लगता है, बहुत सारे परमिशन लगता है, लेकिन किस आधार पर मुंबई महानगर पालिका बिल्डिंग प्रपोजल और माल स्टेट विभाग के द्वारा किस तरह से निरीक्षण करके यहाँ परमिशन दी गई, क्योंकि जबकि पूरा रेसिडेंशियल इलाका माना जाता है, इसके अंदर 3 प्लांट चलते हैं, उस 100 किलोमीटर के अंदर झोपड़पट्टी है, यहाँ के देख सकते हैं मनीष फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर दवाइयाँ बनाने का काम चलता है। प्रदूषण इतना चरम पे है कि यहाँ से लोगों को गुजरना बड़ी किस तरह से मुंबई महानगर पालिका के पूरे अधिकारी, यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है महेंद्र उबाले साहब, उनको भी ये ताक पर रख के काम किया चली जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो प्रदूषण का काम फैलाने का काम करते हैं, इसके पूरे जिम्मेदार हैं बिल्डिंग प्रपोजल के अधिकारी एंड स्टेट के लोग। जबकि महाजन ने उसको परमिशन दिया है कि आप वहाँ निरीक्षण करो, कंपनी दिखाने का परियोजना है कि नहीं, रेसिडेंशियल कितने दूर पे होना चाहिए, कितने दूर पे लोग होना चाहिए, यहाँ के आबादी नहीं होना चाहिए चलाने के लिए, लेकिन बीएमसी और महाजन की तरफ से पूरे गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाने का काम आरएमसी प्लांट के लोग कर रहे हैं, और यहाँ के बीएमसी अधिकारी और जो भी इन कंपनियों को परमिशन दिया गया उस अधिकारियों की जांच होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने का ये काम कंपनी कर रही है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए।